Hello students, I am Aman Joshi from SRS Government Polytechnic College for Girls Ludhiana. Today's second lecture on separating techniques and mode of fabric. So let's start with the first one. Fabric separating. Fabric separating means kapde ko phailana. Spreading is the process of superimposing lengths of fabric on a spreading table or cutting table. Spreading एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कपड़े की लेंथ को मीन्स एक तय लगे हुए कपड़े को खोल कर कहीं बचाते हैं लाइक ऑन अ स्प्रेडिंग टेबल और अ कटिंग टेबल. स्प्रेड और लेअप, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द फैब्रिक प्रिपेयर फॉर अ सिंगल मार्कर. अ स्प्रेड में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्लाई और मल्टीपल प्लाईज. इसमें जितनी भी अमाउंट में हमारे पास कपड़ा होता है उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं फॉर अ सिंगल मार्किंग के लिए. और इसमें हम मार्क जब स्प्रेडिंग करते हैं उसमें हम कंसिस्ट कर सकते हैं फॉर अ सिंगल प्लाई और अ मल्टीपल प्लाईज. फॉर एग्जांपल लाइक थ्री टाइप्स ऑफ स्प्रेड. फर्स्ट वन इज सिंगल प्लाई स्प्रेड, सेकंड वन इज मल्टीप्लाई स्प्रेड एंड थर्ड वन इज स्टेप्ड स्प्रेड. सिंगल प्लाई स्प्रेड इट कंसिस्ट ओनली वन लेयर फैब्रिक. मल्टीप्लाई स्प्रेड द नंबर ऑफ प्लाईज इन अ स्प्रेड मे रेंज फ्रॉम 1 to 300. Ply means a single layer of fabric. Plies mean a several layer of fabric as a cloth. May range from 1 to 300. Stepped spread, it is used for section marker and consists of plies of varied length spread at different heights. Stepped spread are used to adjust the quantity of piece goods to be cut from each section of marker. Stepped spread means kadam phailana. इसको जो स्टेप स्प्रेड है इसको यूज़ करते हैं हम कपड़े के अलग अलग भागों में मार्किंग करने के लिए. और इसमें कंसिस्ट किया जाता है प्लाईज की अलग अलग लेंथ और अलग अलग हाइट. और इसमें हम जो गारमेंट्स के पीसेज होते हैं उनकी क्वांटिटी को भी एडजस्ट करते हैं अलग अलग उसके अलग अलग भागों में कपड़े के भागों में मार्किंग करते हैं और देन कटिंग करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फैब्रिक स्प्रेडिंग टेक्निक्स. फैब्रिक मीन्स कपड़ा, स्प्रेडिंग मीन्स फैलाना, टेक्निक्स मीन्स अ वे ऑफ डूइंग समथिंग. देयर आर मेनली टू मैथड्स एंड टेक्निक्स फॉर स्प्रेडिंग द फैब्रिक ऑन द कटिंग टेबल. मैथड्स एंड टेक्निक्स का मीनिंग सेम होता है. और स्प्रेडिंग करने के लिए फैब्रिक को ऑन अ कटिंग टेबल मेनली टू मैथड्स ही यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ मैनुअल मैथड एंड सेकेंड वन इज़ मकैनिकल मैथड. मैनुअल मैथड इन विच operating procedure, two person may be used for manual spreading unless the spread is very short. One person may work each side of the table to keep the fabric flat, smooth and tension free. दो व्यक्ति का उपयोग manual spread मतलब उसको फैलाने के लिए किया जा सकता है जब तक spreading मतलब उसका फैलना कम ना हो. एक पर्सन व्यक्ति मतलब टेबल के हर इस साइड पर काम कर सकता है कपड़े को समतल रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए, फ्लैट रखने के लिए, रिंकल फ्री रखने के लिए मतलब टेंशन फ्री रखने के लिए. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लो इन्वेस्टमेंट, इजी वर्किंग, सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. डिसएडवांटेज स्पीड लिमिटेशन, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, स्मॉल रोल साइज. दिस इज मैनुअल स्प्रेडिंग मशीन. Spreading carriage method or semi-automatic methods in which operating procedure the cloth is unwound and spread through semi-automatic method. The spreading head or carriage is moved to and fro and spread fabric over the table. Movement along the table and fabric pulling can be controlled by the buttons. खुले कपड़े को स्प्रेड मतलब बिछाया जाता है through किसके माध्यम से? सेमी ऑटोमेटिक मैथड के माध्यम से. स्प्रेडिंग हेड होता है जो उसका सिरा होता है वो गाड़ी जो कैरेज मीन्स गाड़ी को इधर उधर ले जाया जाता है कपड़े को टेबल पर फैलाने के लिए. जो फैब्रिक की मूवमेंट होती है वो टेबल के साथ ही होती है. और फैब्रिक पुलिंग कैन बी कंट्रोल बाय द बटन्स. एडवांटेजेस फास्ट एंड इकोनॉमिकल, प्रॉपर सैलवेज अलाइनमेंट, ईज टू ऑपरेट विद इलेक्ट्रॉनिक क्लच. डिसएडवांटेजेस फैब्रिक रोल लोडिंग, कटिंग इज स्टाइल मैनुअल, स्मॉल रोल साइज. This is semi-automatic machine. Automatic spreading. Automatic spreading features.
ऑटोमेटिक लोडिंग अनलोडिंग डिवाइस फॉर फैब्रिक रोल्स। ऑटोमेटिक एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा अपने आप लोडिंग और अनलोडिंग हो जाता है फॉर फैब्रिक रोल्स। ऑटोमेटिक रोल टर्निंग अरेंजमेंट फॉर फेस टू बैक ले। ऑटोमेटिकली इसमें रोल है वो मुड़ जाता है, टर्न हो जाता है, इसकी अरेंजमेंट इजी हो जाती है फॉर फेस टू बैक ले तक। ऑटोमेटिक लेवलिंग डिवाइस भी है जो फॉर एज अलाइनमेंट, जो कि एजिस को एक इक्वल लेवल में रखता है। ऑटोमेटिक कटिंग डिवाइस भी है एट द एंड ऑफ अ रन। ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस भी है जो कंट्रोल करता है फैब्रिक की टेंशन को, मीन्स रिंकल्स को। ऑटोमेटिक ले हाइट सेंसर भी है। स्प्रेडिंग स्पीड अप टू 140 मीटर मिनट्स। दिस इज ऑटोमेटिक मशीन। नेक्स्ट वन इज अनदर थ्री मेथड्स एंड टेक्निक्स। फर्स्ट वन, स्प्रेडिंग बाय हैंड ऑन टू अ हॉरिजॉन्टल टेबल। In this process, the fabric is drawn from its package. The operator works back from the end, aligning the edges and ensuring that there is no tension and there are no wrinkles. The ply is cut with hand shears. इस प्रोसेस में फैब्रिक को उसके पैकेज से तैयार किया जाता है। ऑपरेटर अंत से वापस काम करता है और किनारों मतलब एजिस को एक लाइन एक लेवल में लेके आता है और इंश्योर करता है दैट देयर इज नो टेंशन और देयर आर नो रिंकल्स। द प्लाई इज कट विद हैंड शीयर्स। जो प्लाई है उसको जो लेयर्स होती हैं क्लोथ्स की उसको काटा जाता है हाथ की कैंची से, शीयर्स मीन कैंची। Spreading by hand hooking up. This method uses a table with a horizontal surface at normal height. The top edge of the table carries a series of hooks. The spreader hooks the selvage of the fabric onto these hooks. While maintaining the correct tension down the length of ply, he begins at one end and works towards the other. It is difficult to lay the plies on a horizontal table. इस मेथड में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला टेबल यूज़ किया जाता है जिसकी नॉर्मल हाइट होती है। इसके टॉप के एज में एक सीरीज में हुक्स को कैरी किया जाता है। जो स्प्रेडर है वो फैब्रिक की सेल्वेज को हुक करता है ऑन टू दिस हुक्स और मेंटेन करता है करेक्ट टेंशन डाउन द लेंथ ऑफ प्लाई, प्लाई की लंबाई के नीचे तक। ये लगातार वर्क चलता रहता है जहाँ से एक एंड से शुरुआत होती है और दूसरे तक अंत होता है टावर्ड द अदर। इट इज जब Difficult to lay the plies on a horizontal table. Third one is spreading by using traveling machine. This carries the piece of fabric from end to end of the spread, dispensing one ply at a time onto the spread. ये fabric के टुकड़े को फैलाव के अंत तक ले जाते हैं। Next one is the nature of fabric package. The fabric packages vary in length, width and makeup. The forms of fabric piece that can be used are as follows. जो fabric की packages बनती हैं उनकी अलग अलग length होती है और अलग अलग width होती है। किस forms में कैसे forms में fabric के pieces को इस्तेमाल करना है वो इस प्रकार है। First one is one face roll. Second one is tubular knitted fabric. Third one is folded fabric rolls. Fourth one is folded fabric pleats and last velvet handling. Next one is mode of spreading. Mode of spreading means फैलाने की विधि। जो कह सकते हैं the route by which an organism is transferred from one host to other, in which a spreading mode is the manner in which fabric plies are laid out for cutting. इसमें जो कपड़ा है उसकी जो प्लाइज है मींस वन ऑफ सेवरल लेयर एज ऑफ क्लॉथ उसको बिछाया जाता है फॉर कटिंग के लिए। द फैब्रिक मोड इज डिटरमाइंड बाय द फैब्रिक करैक्टरिस्टिक्स क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द फर्म एंड अवेलेबल इक्विपमेंट। फैब्रिक मोड में जज किया जाता है कि फैब्रिक की करैक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके स्टैंडर्ड्स पक्के हैं कि नहीं है, एंड अवेलेबल इक्विपमेंट्स। टू फैब्रिक करैक्टरिस्टिक्स to determine the spreading mode are: the first one is the direction of fabric face and second one is the direction of fabric nap. Face means face to face and face one way, and nap means nap fabric jo hote hain mainly wo raised surface wale hote hain. Is fabric that has a raised surface, if you rub your hand one direction it will look different than if you rub your hand the other direction, reflects light differently. नेक्स्ट वन इज मोड फैब्रिक डायरेक्शन, मीन्स मोड कपड़े की दिशा।
face to face. With these methods of spreading, the face is up on one ply and down on the next ply. As the spreader goes back and forth, often symmetric non-directional fabrics are spread continuously, which places alternate plies face to face or back to back. Each spreading method means the face is up on one ply and down on the next ply. ऐसे ही spreader आगे और पीछे की ओर जाता है. Often symmetric means made up of exactly similar parts facing each other. Non-directional fabrics are spread continuously, which places alternative plies. ये जो plies हैं, जो several layer fabric होती हैं, वो वैकल्पिक प्लेस लेती हैं, जिनकी फेस टू फेस और बैक टू बैक होती हैं. नेक्स्ट वन इज मोड फैब्रिक डायरेक्शन. फेस वन वे. फेस वन वे मीन्स एक तरफी. फेस अप और डाउन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव बिकॉज मस्ट बी कट एट ईच एंड ऑफ द स्प्रेड एंड न्यू एंड इज रिपोजिशन. फेस अप और डाउन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि फैल और नए और रिपोजिशन के हर एक एंड में कटौती की होनी चाहिए. फेस वन वे मे बी डन विद द फैब्रिक फेस अप और फेस डाउन. सो थैंक यू. कंप्लीट टुडेज द टॉपिक ऑन स्प्रेडिंग टेक्निक्स एंड मोड ऑफ फैब्रिक. दैट्स इट.